अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर ज़रूर हम देखते हैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, नियम लागू करने की बात होती है, लेकिन हालात ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं बदलते। आप भी दिल्ली में महसूस कर पा रही होंगी इस वक्त, बाहर में आपको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, आंखों में जलन आप भी फील कर पा रहे होंगे, लेकिन क्या ये हालात कभी सुधर पाएंगे? ग्रैप टू के नियम क्या आपको नजर आ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमने पिछले दिनों में भी देखा किस तरीके से जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। देखिए, आज के अगर AQI की बात करें तो 354 दर्ज किया गया है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है, और दिन बर दिन ये AQI जो है वो मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो घटता जा रहा है, और जो नंबर्स है उनमें बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर जो धुंध है, आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो धुंध है वो चारों तरफ जो है कई जगहों पर देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें तो ग्रैप स्टेज 2 जो है वो भी राजधानी में लागू कर दी गई है, नॉर्थ इंडिया में लागू कर दी गई है। आखिर इसके अंदर क्या कुछ नया होगा? कल गोपाल राय ने जब PC करी तो उसमें भी उन्होंने जानकारी दी कि ग्रैप स्टेज 2 में जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, और खास तौर पर उन जगहों पर जो सरकार की तरफ से हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो जो मेट्रो है उनके राउंड्स को बढ़ा दिया जाएगा, बसेस की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो पब्लिक व्हीकल्स को यूज करें। पार्किंग फीस जो है वो भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही जो गोपाल राय एनवायरमेंट मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने जो आसपास के स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्टर है उनको भी पत्र जो है वो लिख दिए हैं, BJP शासित स्टेट्स को, और उसमें ये उन्होंने गुहार लगाई है, रिक्वेस्ट की है कि वहां से आने वाली डीजल गाड़ियों पर रोक लगे। और साफ तौर पर हमने पिछले दिनों भी देखा किस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में डीजल गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लेकिन जो आसपास के स्टेट्स हैं UP हरियाणा वहां से डीजल गाड़ियां जो है वो दिल्ली आती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि खास तौर पर कौशाम्बी बस स्टैंड जो है वो आनंद विहार में स्थित है, और वहां पर इसीलिए सबसे ज्यादा AQI जो है वो देखने को मिलता है। और हम तस्वीर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा किस तरीके से जो धुंध है वो देखने को मिल रही है। और एक और चीज आपको दिखाएं, बात हो रही है वाटर स्प्रिंकलर की, बात हो रही है डस्ट को सेटल रखने की, लेकिन ये देखिए हालात, पूरी सड़क जो है वो यहाँ पर सूखी पड़ी हुई है, और अगर इसी तरीके से स्प्रिंकलर्स काम करेंगे तो कैसे चलेगा ये? साफ तौर पर आपने सवाल भी पूछा, क्या ये हालात कभी बदल पाएंगे? और अगर तस्वीर ऐसी ही रहेगी तो नहीं लग रहा है कि हालात में कोई सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पर लगातार एक्शन में तो नजर आ रही है दिल्ली सरकार। गोपाल राय पर्यावरण मंत्री जो है वो खुद ग्राउंड पर भी उतर रहे हैं, आतिशी खुद CM जो है वो ग्राउंड पर उतरी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म प्लान, उसमें कमी नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि एक प्रॉपर प्लान निकल के नहीं आता है, और जिसकी वजह से हर साल दिल्ली वालों को कुछ इसी हालत का सामना जो है वो करना पड़ता है। ये समस्या जब आ जाती है उसके बाद नींद खुलती है सरकार की, सिस्टम की, और उसके बाद वो तमाम नियम और कानून की बात होने लगती है, लेकिन क्या 12 महीने इस पर काम नहीं किया जा सकता है? और आरजू, एक अपडेट हम ये भी लेना चाहेंगे, क्या इस बार भी, क्योंकि हर साल अदालतों की फटकार भी लगती है सरकार को, क्या इस बार भी फटकार लगने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए कई बार फटकार जो है वो लगती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। देखिए, अगर बात करें तो आसपास के स्टेट में जहां पर पराली जल रही है उसको रोकने के लिए क्या कुछ उन स्टेट्स ने किया है, चाहे वो पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और हमने देखा किस तरीके से तमाम FIR, लगभग 20 से ऊपर FIR जो है वो भी दर्ज की गई है किसानों के खिलाफ। तो तमाम ऐसे एक्शन की, देखिए अगर फार्मर्स की बात करें तो कुछ फार्मर्स से जब बात की जाती है तब वो ये बताते हैं कि हमारे अल्टरनेटिव नहीं है, हम क्या करें। तो साफ तौर पर कि आखिर क्या कुछ सरकार जो है उन किसानों को प्रोवाइड करा रही है उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। क्या उनको वो मशीनरी प्रोवाइड की गई है जिससे वो स्टबल बर्निंग ना करें, पराली ना जलाएं? तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता आया है, और एक बार फिर अगर हालात नहीं सुधरे और अगर जो पराली जलाने की जो केसेस है उनमें अगर बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो दोबारा से एक बार फटकार जो है वो आसपास के स्टेट्स को लगने वाली है। जी ठीक है, अनिल, गाजियाबाद प्रशासन का क्या कहना है? गाजियाबाद प्रशासन क्या अपनी तरफ से अलग एक्शन प्लान लेकर आया है या उस पर काम कर रहा है?
देखिए जैसे ही ग्रैप 2 लागू हुआ तो उसके बाद एक मीटिंग जरूर यहाँ बुलाई गई गाजियाबाद में, और गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं उनको चेताया गया, उनको बताया गया कि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है, तो अब ग्राउंड जीरो पर उतरना होगा। और हालांकि आदेश तमाम मीटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और आदेश भी दे दिए जाते हैं, पर जैसे बिल्कुल एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर मीटिंग हो जाती है, कागजी कार्रवाई हो जाती है, जमीन पर कुछ नहीं दिखता। महेंद्र, जल्दी से नोएडा प्रशासन का कुछ एक्शन प्लान। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो हाल गाजियाबाद का है, जो हाल दिल्ली का, वही हूबहू नोएडा का भी। नोएडा प्राधिकरण के तमाम जो अधिकारी है, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के तमाम जो अधिकारी केवल कागजों में बता देते हैं कि 14 टीम हमारी सड़कों पर है, मॉनिटरिंग कर रही है, मगर असल में अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर उनका कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी नजर नहीं आता। ऐसे में खुले में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, खुले में डस्ट मटेरियल रखा जा रहा है, जो मलबा है वो आपको सड़कों पर दिखाई देगा, पानी का छिड़काव केवल नाम मात्र के दिखाई देगा। पूरे नोएडा की अगर बात करें तो केवल 5 टैंकर आपको सड़कों पर दिखा देंगे, जिससे एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरीके का काम नोएडा के अधिकारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी लापरवाही के चलते आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा गैस के चैंबर में तब्दील हो गया है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार पहुंच गया। जी बहुत शुक्रिया महेंद्र, आरजू और अनिल आपका। और जाहिर है ये तमाम परिस्थितियां जो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से दिखाई है, ये बता रही है, ये सरकार और सिस्टम के दावों की पोल खोल रही है कि दरअसल कागजों पर कैसे कार्रवाई होती है और एयर कंडीशन रूम में मीटिंग कर एक्शन प्लान बना लिया जाता है और कह दिया जाता है हमारी टीमें तैनात हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और आम आदमी जिसकी कोई गलती नहीं, जो टैक्स भरता है उसे शुद्ध हवा भी नसीब नहीं होती।